हमारा ये जो ब्राह्मण जन्म है ब्राह्मण जीवन है इसका आधार क्या है निश्चय है न सारी बात निश्चय की है क्योंकि पुरुषार्थ का आधार भी निश्चय है तो बाबा आज सबसे पहले निश्चय को अंडरलाइन करा रहे हैं कि हम बच्चों को बाबा जो भी हमारे प्रति सुनाते हैं समझाते हैं क्या उस पर निश्चय है क्योंकि कई बार हम लौकिक जीवन में भी स्वयं को नहीं जानते है ना दुनिया में भी आप देखो कई ऐसे होते हैं बहुत अच्छा पोटेंशियल है उनके अंदर है ना पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं बहुत बड़े बड़े पद पर दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं पद पोजीशन लेकिन अपनी योग्यता को नहीं जानते तो छोटे मोटे धंधे आदि नौकरी आदि में चले जाते हैं तो बाबा भी हम बच्चों को बताते हैं कि हम बच्चे कौन हैं हम बच्चे बाप समान हैं लेकिन हमने जो चौरासी जन्मों की यात्रा की उस यात्रा के आधार से बहुत दे अभिमान हमारे अंदर आ गया है और उस दे अभिमान के आधार से हम अपने को जो हैं जैसे हैं वैसे नहीं समझते है ना अपना स्वरूप भी क्या समझते हैं कि मेरा ये देह का स्वरूप है मेरी फला आयु है मैं मेल हूँ फीमेल हूँ फिर अपने गुणों को भी नहीं जानते जो रावण के गुण हैं अवगुण हैं उन्हीं को अपनी क्वालिटी समझते हैं आज मनुष्य को पूछो आपके गुण क्या हैं तो कहता है मुझे गुस्सा बहुत आता है मुझे खुश करना बहुत मुश्किल है मैं बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता हूँ परेशान हो जाता हूँ ओवर थिंकिंग करता हूँ तो इन सारी बातों को गुण समझते या अपनी डिफाइनिंग क्वालिटी समझते लेकिन बाबा कहते तो मैं से नहीं हो तुम तो स्वरूप में मेरे जैसे हो जैसे मैं बिंदी हूँ ऐसे तुम भी बिंदी हो जो मेरे गुण हैं सो तुम्हारे हैं मैं गुणों का सागर हूँ तुम गुण स्वरूप हो फिर बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चों का आदि स्वरूप देवी स्वरूप था चौरासी जन्मों की यात्रा में हम ऐसे बन गए जो हमारा वर्तमान स्वरूप है वो मौलिक नहीं है वो हमारा परिवर्तित स्वरूप है बाबा हमें बताते हैं कि अनादि स्वरूप में तो हम आत्मा हीरे जैसे हैं परमधाम निवासी और फिर चक्र में भी आते हैं तो शुरू में कैसे हैं बिल्कुल दैवी स्वरूप और फिर सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण जब हम देवी देवता हैं तो कोई ऐसी कला नहीं कोई गुण नहीं जो हम में ना हो लेकिन धीरे 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 वो कला गुण सब खो जाते हैं और हम ऐसे बन जाते हैं और फिर बाबा कहते हैं चक्र का ज्ञान भी कि फिर पाँच हज़ार वर्ष के बाद तुम्हें पुनः देवता बनाने में आता हूँ और बाबा कहते इन बातों पर हमें निश्चय होना चाहिए क्या मुझे निश्चय है क्योंकि कई बार हम रोज़ सुनते तो हैं पर ये मैं ही हूँ ये निश्चय नहीं होता है ना सुनते हैं ये भी लगता है कि ये भारत की कहानी है पहले स्वर्ग था अभी नर्क बना लेकिन मैं ही देवी कुल की आत्मा हूँ मैंने ही चौरासी जन्म लिए हैं मैं ही वो ईश्वरीय संतान हूँ जो कल्प कल्प बाबा से अपना राज्य भाग्य लेती हूँ क्या मुझे इस बात पर संपूर्ण रूपे निश्चय है क्योंकि जब तक अपने आप को ना जाने जब तक हम जो हैं जैसे हैं वैसे खुद को ना जाने तो फिर खुदा को भी याद कैसे करेंगे तो बाबा हमें कहते सबसे पहली सब्जेक्ट है निश्चय की और फिर जो मुख्य बात आज अंडरलाइन कर रहे हैं बाबा कि क्या हमें निश्चय है कि जो बाप का कर्तव्य सो मेरा कर्तव्य जैसे बाबा को मालूम है कि हर पाँच हज़ार वर्ष बाद बाबा को आना ही है स्थापना विनाश पालना का कर्तव्य करने क्या और बाबा को कभी ऐसा लगता है कि मैं ना भी जाऊँ तो चलेगा मेरे बिना काम चलेगा हाँ तो क्या मुझे ये निश्चय है कि मेरे बिना भी काम नहीं चलेगा निश्चय का मतलब क्या कि जैसे बाबा को निश्चय है कि ये कर्तव्य मेरा ही है मुझे ही कल्प कल्प करना है तो क्या मुझे ऐसी जिम्मेवारी का एहसास है कि ये कल्प कल्प मेरा ही कर्तव्य है बाबा के साथ मास्टर स्थापना पालना कर और स्थापना विनाश पालना के निमित्त बनना ऐसा नहीं कि कोई और करेगा क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे बाबा को तो समझते हैं कि बाबा इनडिस्पेंसेबल है बाबा के बिना काम नहीं होगा लेकिन समझते मेरे बिना चलेगा है ना मैं ना करूँ तो कोई और करेगा लेकिन बाबा तो मेरी तरफ़ देख रहा है कि स्थापना विनाश पालना का कर्तव्य तुम्हें ही करना है बच्चे तो क्या इतनी ज़िम्मेवारी महसूस होती है जैसे बाबा को परम पिता मैं परम पिता हूँ ये जिम्मेवारी अनुभव होती है तो क्या हमें भी जिम्मेवारी अनुभव होती है कि हम भी वो पूर्वजात माएँ हैं जिनको सारे विश्व का कल्याण करना है तो बाबा आज हमें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत कर रहे हैं और आप देखो कि दुनिया में भी जब गीता में हम पढ़ते हैं गीता में कहते हैं हरेक को अपने कुल का धर्म तो निभाना ही पड़ता है है ना हरेक का अपना कुल है और उस कुल के कुछ नी कर्तव्य हैं धर्म है जो हरेक को निभाना ही पड़ता है कास्ट ड्यूटी निभानी पड़ती है अब क्या मुझे समझ में आता है कि मैं ही उस कुल की आत्मा हूँ वो ब्राह्मण आत्मा जिसको कल्प कल्प ये कर्तव्य बाबा के साथ करना है और बाबा बहुत जब आ, बाबा ये जो तीनों कर्तव्य की बात करते तो दुनिया में तो क्या कहते स्थापना पालना विनाश है ना और ब्रह्मा विष्णु शंकर वैसे ही दिखाते हैं लेकिन बाबा स्थापना विनाश पालना कहते क्यों कहते हैं क्योंकि बाबा कहते हैं सत्युग की स्थापना होती है कलयुग का विनाश होता है तब सत्युग की पालना की बात आते है. स्थापना पालना के बाद विनाश नहीं होता स्थापना पहले होती है युग पर फिर विनाश होता है फिर सत्युग आता है तो पालना की बात होती है तो बाबा हमें समझाते हैं कि क्या मुझे ये नशा है है ना जैसे बाबा आज एग्जाम्पल देते हैं कि बैरिस्टर जो होता है उसको नशा होता है कि डिग्री भी मुझे ही लेनी है और प्रैक्टिस भी मुझे ही करनी है है ना तो वो प्रैक्टिस की भी तैयारी करता है तो ऐसे ही सत्युग की स्थापना भी करनी है और फिर पालना भी करनी है सत्युग में स्थाप सत्युग की स्थापना के लिए मुझे जो कर्तव्य करने हैं वो तो करने हैं लेकिन ये भी नशा रहता है कि कल मुझे ही पालना करनी है मुझे ही राज्य करना है तो जो राजाई के लिए जो संस्कार चाहिए क्या वो भी धारण कर रहे हैं आप विचार करो अगर आज दो आत्माओं को प्यार से नहीं चला सकते तो सत्युग में इतना बड़ा मैनेजमेंट कैसे संभालेंगे दो आत्माओं को चार आत्माओं को दस आत्माओं को अगर हमें संभालने में अगर हमें क्रोध का फोर्स का यूज़ करना पड़ता है तो क्या सत्युग जाने के बाद हम इतने बड़े राज्य को प्यार से संभाल सकेंगे है ना मीठा बोलकर आज अगर दो आत्माओं को नहीं संभाल सकते तो इतना बड़ा मैनेजमेंट कैसे संभालेंगे सत्युग के राजा ही कोई मासी का घर तो नहीं है ना? आज अगर कहते हैं ये फला मेरी बात नहीं सुनता वो नहीं सुनता तो क्या सत्युग में भी यही कहेंगे प्रजा मेरी बात नहीं सुनते साहूकार बात नहीं सुनते है ना वहाँ भी तो फिर अपनी ऐसी वो जो रूहानी ताकत है और कोई जिस्मानी बाहुबल से तो राज्य नहीं चलाएंगे ना द्वापर युग से तो बाहुबल से राज्य चला है ना डर से भय से कंट्रोल से फोर्स से भी राज्य चला दंड की बात होती थी कि दंड मिलेगा अगर बात नहीं मानेंगे सत्युग में तो कोई दंड आदि नहीं होगा ना राजा ऐसे थोड़ी डराएंगे कि तुम तो मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा तो आज मेरे संस्कार क्या संस्कार धारण किए हैं मैंने है ना आज अगर मुझे कोई कला सीखने में कोई बात सीखने में अग आप सोचो सोलह कला संपूर्ण हमें बनना है सत्युग में कोई भी कला कोई भी विद्या सीखने में कितना समय लगेगा है ना बहुत कम समय क्योंकि ऑलरेडी वो सोलह कला संपन्न अवस्था है बस टीचर मिला झट सीख जाएंगे तो वो सारे संस्कार अभी बनाने हैं ना अगर अभी कहेंगे मेरे से ये नहीं होता मेरे से वो नहीं होता ये तो हम कर सकते हैं पर वो नहीं कर सकते है ना हमसे स्थूल सेवा नहीं होती कोई कहेगा कोई कहेगा हमसे संबंध संपर्क हैंडल नहीं होते कोई कहेगा हमसे फाइनेंस हैंडल नहीं होता <coughs> कोई कहेगा हमसे मैनेजमेंट नहीं होता है ना कोई कहेगा हमसे शारीरिक श्रम नहीं होता सर्दी गर्मी से फर्क पड़ता है तो फिर ऐसे संस्कारों के साथ पालना कैसे करेंगे सत्यु की सृष्टि की तो बाबा हमें कहते हैं कि क्या मुझे ये एम रहता है कि मुझे ही स्थापना करनी है जैसे बाबा को क्लियर है कि कल्प कल्प मुझे ही आकर सत्यु की स्थापना करनी है कलयुग का विनाश और सत्यु की पालना करानी है क्या मुझे भी ये एम क्लियर है कि ये कल्प कल्प का पार्ट मेरा ही है है ना क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है जो बिना कह कहे करे वो देवता है ना जो बिना कहे करे वो देवता तो क्या आज हर कर्म करने के लिए हमें कहना पड़ता है कोई हमें कहे तो हम योग करते हैं कई बार ऐसा होता है इक्कीस दिन का प्रोग्राम बनेगा है ना स्वमान जाएंगे तब जाके योग होगा नहीं तो खुद से स्वमान लेके योग भी नहीं करेंगे कोई सेवा के अनाउंसमेंट जाएगी तो सेवा करेंगे कोई प्रोग्राम बनेगा तो सेवा करेंगे खुद से कुछ नहीं करेंगे तो बिना कहे करे वो देवता है ना क्या मुझे पता नहीं जिन जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं जो प्रोग्राम दे रहे हैं उनको ये नशा है कि मैं ज़िम्मेवार हूँ तो क्या मुझे ये नशा नहीं है कि मैं ज़िम्मेवार हूँ मुझे अपनी स्वपुरुषार्थ और सेवा के लिए कोई कहे ना कोई कोई धारणा के लिए पुरुषार्थ के लिए सेवा के लिए कोई कहे ना है ना आप सोचो कई बार हम अपने विघ्न सुनाते हैं कि हमें पवित्र रहने में ये विघ्न आते हैं हमें सेवा करने में ये विघ्न आते हैं जिनको आप बता रहे हैं क्या उनको कोई विघ्न नहीं आते वो, वो वो तो आपको अपने विघ्नों का वर्णन नहीं करते <laughs> वो तो हर कार्य खुद करते हैं ना क्यों क्योंकि उनको पता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा लेकिन जब हम अपने विघ्न गिनाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए ऑप्शनल है उनके लिए ऑप्शनल नहीं है तो फिर सतयुग में हम राजा कैसे बनेंगे जब हमें जिम्मेवारी है कि स्थापना विनाश पालना का कर्तव्य मेरा है जब मैं उसकी बिना कहे जिम्मेवारी उठाता हूँ हर हर जिम्मेवारी जो मेरी संगम युग की है चाहे अपने संस्कार परिवर्तन के अर्थ अपनी योग तपस्या धारणा के अर्थ या सेवा के अर्थ जब मैं अपनी जिम्मेवारी स्वतः उठाऊँ तब तो कहा जाएगा ना कि हाँ मुझे नशा है कि मैं स्थापना विनाश पालना के कर्तव्य के निमित्त हूँ वरना क्या है निमित्त कोई और है है ना वरना हम तो फिर सिर्फ कहीं पर कर रहे हैं मजबूरी से कर रहे हैं कहा जाएगा तो करेंगे नहीं कहा जाएगा तो नहीं करेंगे लेकिन पद तो हमें पाना है ना तो किसी को कहना क्यों पड़ता है खुद से क्यों नहीं करते तो ये बात हमें विचार करनी है जो आज बाबा कह रहे हैं ना कि निश्चय बुद्धि है हम कि मैं ही वो कल्प कल्प के ब्राह्मण आत्मा हूँ जो स्थापना विनाश पालना के कर्तव्य की ज़िम्मेवारी उठाते हो और अगर ये निश्चय है तब ये कर्तव्य हम करेंगे और फिर पद भी उस अनुसार नंबरवार पाएंगे तो बाबा हमें आज पहली बात समझाते हैं कि जो स्थापना के निमित्त स्वयं को समझते हैं वो सबसे पहले किस बात पर अटेंशन देंगे पढ़ाई और याद पढ़ाई के सब्जेक्ट और याद क्योंकि ताकत चाहिए है ना सतयुग में राजाई में ताकत होती है धर्म सत्ता राज सत्ता में ताकत होती है और उस ताकत को अभी धारण करने के लिए हमें ज्ञान बल योग बल चाहिए पवित्र भी हम योग बल बन से बनते हैं तो बाबा कहते हैं इसलिए जो बच्चे अपने को निमित्त समझते हैं वो तो सबसे पहले किस बात पर अटेंशन देते पढ़ाई रेगुलर पढ़ाई और पढ़ाई माना क्लासवर्क होमवर्क दोनों ऐसा नहीं मुरली सुनी छुट्टी सारे दिन मुरली का मंथन विचार सागर मंथन चले ज्ञान बुद्धि में फिरे और सारे दिन योग पर अटेंशन हो जिनको निश्चय है कि मुझे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है वो पढ़ाई और योग के सब्जेक्ट पर बहुत अटेंशन देंगे और फिर बाबा कहते हैं कि राजाई में जाना है तो सेवा भी करनी है ना सर्व का कल्याण करना है और सर्व का कल्याण करने जब जाते हैं देखो पवित्र बनने में और सेवा करने में दोनों में क्या आते बंधन है ना आप ज्ञान सुने योग करें योग में भी अंदर से माया तंग करती है बाहर से बंधन नहीं आते है ना लेकिन जब पवित्र बनेंगे और सेवा करेंगे तो बाहर से बहुत बंधन आते मनुष्य आपको कहेंगे कि आपकी जीवन आपका समय आपका तन बंधन आपका नहीं है आप उनसे पूछे बिना उनकी अनुमति के बिना है ना बाबा के अर्थ कुछ नहीं कर सकते पवित्र बनने पर भी अपने तन पर भी अधिकार नहीं मिलेगा तो उस समय पर बाबा कहते हैं आत्मा को मौलाई मस्ती होनी चाहिए कि मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूँ है ना मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूँ जो मुझे कोई बांध कर रखे मैं तो स्वतंत्र हूँ मुझे बाबा विश्व के राजा ही दे रहे हैं मुझे ये कर्तव्य छोड़कर और कौन सा कर्तव्य करना है तो बाबा कहते हैं इतना आत्मा में नशा होना चाहिए अगर नशा नहीं होगा तो छोटी छोटी बातें भी कारण बनेंगे और अधिकतर क्या होता है कि ये जो बातें बाहर से आती हैं ये बातें हमें इतना असर क्यों करती हैं क्योंकि अंदर वो नशा वो मस्ती नहीं है तो थोड़ी बात में घबरा जाते हैं जब अंदर वो मौलाई मस्ती होती ना तो फिर घबराते नहीं और सामने वाले को भी मालूम पड़ता है कि ये घबराने वाले पीछे हटने वाले नहीं हैं लेकिन ये जो बंधन है इनको पार करना पड़ता है बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो और ही पेपर आते हैं और ही बंधन के पेपर आते हैं लेकिन ये सारे बंधन जब पार करें तब तो विश्व कल्याण कर सके, पवित्र बन भी सके और सेवा भी कर सके, है ना? क्योंकि देखो आज मनुष्य का क्या है तुम्हारा तन मन धन मेरा है और फिर तुम बाबा से योग लगाओ जो करो करो लेकिन जैसे ही आप कहेंगे मेरा तन मेरा है मुझे पवित्र रहना है मेरा धन मुझे सफल करना है वहाँ पर वो कहेंगे नहीं जी ये नहीं हो रहा है ना आपकी जीवन मेरी गुलामी की ये ना अधीन है और जैसे ही आप ये निर्णय लेंगे तो वहाँ पर बंधन आते और जब ये निर्णय नहीं लेते कई ऐसे कहते हमें कोई बंधन नहीं आते क्योंकि कुछ करते नहीं ना पवित्र रहते ना सेवा करते तो बंधन क्यों आएंगे माया के बंधन में बंधे हुए को बंधन थोड़े आते हैं बंधन तो उनको पड़ते हैं जो माया की अधीनता से छूटना चाहते तो जब बंधन पढ़ते हैं तो उस समय पर बाबा कहते इतना क्लैरिटी होनी चाहिए पहली बात तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं स्वतंत्र हूँ मेरी जीवन मेरा तन धन मेरा है पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए खुद को क्योंकि हमने इतने समय से तेसठ जन्मों से ये बंधन की प्रोग्रामिंग है ना कि आपका जो भी कुछ है वो इनका है फलाना का है उसका है कि इतनी प्रोग्रामिंग रहती है कि अपने आप को ही ये क्लैरिटी नहीं है कि मैं स्वतंत्र हूँ अभी देखो एक कन्या पीछे बात कर रही थी और मुझे कहती कि अभी मेरी उम्र जो है शरीर की वो 25 वर्ष है और 26 वर्ष में तो शादी करनी है ना तो इसलिए जल्दी जल्दी जो भी करना है जल्दी जल्दी मुझे है ना जो भी अपने एम्बिशंस हैं जो भी मुझे जीवन में करना है वो मुझे पूरा कर लेना है तो मैंने कहा छब्बीस वर्ष में शादी क्यों करनी है छब्बीस का क्या टारगेट है तो कहते कि नहीं पिताजी ने कहा है कि छब्बीस के आगे और शादी के बिना नहीं रह सकते तो मैंने कहा कि तो शादी इसलिए करनी है क्योंकि पिताजी ने कहा है तो कहती हाँ वैसे तो मेरा कोई मन नहीं है लेकिन पिताजी ने कहा है और पिताजी का एक ही सपना है कि मरने से पहले वो मेरी शादी देख लें है ना मेरी शादी करा दे तो फिर मैंने उसको कहा कि शादी भले करो <laughs> लेकिन थोड़ा कारण तो अच्छा ढूंढो। <laughs> पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए शादी करोगे तो शादी का जो बंधन है वो जब सामने आएगा तो पिताजी तो चले गए होंगे तो फिर उस कर्म बंधन को कौन झेलेगा <laughs> तो फिर उसको मैंने कहा कि कोई बात नहीं शादी करो ना करो लेकिन किस ऐसे नहीं कहो कि इनके कारण शादी कर रहे हैं या इस कारण से कर रहे तो बाबा हमें कहते आत्मा को ये क्लैरिटी ही नहीं है कि मैं स्वतंत्र हूं आत्मा को इतनी डीप प्रोग्रामिंग है ना स्पेशली जब आप स्त्री चोले में हैं तो पहले आपका सब कुछ पिता का है फिर बाद में युगल का है तो इतनी डीप प्रोग्रामिंग है कि उस उस प्रोग्रामिंग से निकलना ही बाबा कहते उसके लिए मौलाई मस्ती चाहिए और जब अपने ही प्रोग्रामिंग में इतनी प्रॉब्लम है तो फिर सामने वाला तो बंधन डालेगा ही डालेगा ना तो बाबा कहते हमारी जीवन हम जो कर्म करेंगे कोई और उसका उस कर्म का फल भोगने आएगा क्या जो कर्म हम करेंगे उसका अच्छा बुरा फल हमें भोगना है तो जब हमें भोगना है तो फिर हमें किसी के बंधन में पढ़कर ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो अंत में हम पछताएं कि अच्छा इस कारण से हमने है ना ये नहीं किया या ये किया जो श्रीमत के विरुद्ध था वो कर लिया जो श्रीमत के सम्मत था वो किया नहीं ये बातें हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए इसीलिए बाबा कहते हैं जब सेवा करने की बात आती है पवित्र रहने की बात आती है जीवन सफल करने की बात आती है या तन मंधन सफल करने की बात आती है तो उसमें आत्मा को बहुत क्लैरिटी चाहिए कि मैं कोई रीढ़ बकरी नहीं हूँ है ना लेकिन मोस्टली रीढ़ बकरी है इसलिए अंदर बहुत डर लगता है है ना डर किस बात का है है ना ये ये छूट गया तो कैसे चलेगा वो कैसे चलेगा आपके जीवन मनुष्य चला रहा है क्या जीवन तो बाबा चलाता है और जो हमारा संगमयुगी कर्तव्य है वो तो हमें करना ही है हाँ बाबा ऐसे नहीं कहते किसी से टकराओ बाबा कहते बहुत प्यार से बहुत योगी अवस्था से लेकिन जो आपको करना है वो करना ही है किसी से लड़ने झगड़ने की बात नहीं है लेकिन अपने अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये मेरी जीवन है मेरा कर्तव्य है मुझे करना है मैंने देखा है सत्तर सत्तर वर्ष की आयु में भी है ना माताओं को बंधन पड़ते हैं और एक माता थी मुझे कहती मेरी बहू कहती है आप क्लास सुन के अपना टाइम वेस्ट करते हो उतनी देर में मेरे बेटे को स्कूल क्यों नहीं ले जाते स्कूल छोड़ के क्यों नहीं आते स्कूल से क्यों नहीं लाते तो माता को इतना बोला और क्योंकि प्रोग्रामिंग अपनी भी है ना कि मेरा जो सारा कर्तव्य है वो तो बच्चों के प्रति है तो माता ने क्लास छोड़ दी और बच पोते को स्कूल लाना ले जाना यही काम करती रहती माता शाम को पोता पढ़ता तो पोते के साथ बैठती क्यों क्योंकि बुद्धि अगर सालिम नहीं है मौलाई मस्ती नहीं है तो ये जो बंधन पड़ते हैं ये बंध और फिर वही बेटे और बहू ने मिलकर मारा माता को क्योंकि पोते से कुछ पोते को कुछ चोट आ गई थी या कुछ हो गया था तो उस सत्तर वर्ष की माँ को बैठ दोनों ने मारा और तब वो फ़ोन करके कहती है कि देखो दीदी मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैंने कहा पर जिसके बंधन में आप बंधे हो अब वो जो जैसा है वैसा ही सुख या दुख देगा ना तो आप विचार करो कि मनुष्य आत्मा को इतनी भी समझ नहीं है कि मुझ पर कोई बंधन नहीं है कोई मेरे हाथ पाँव नहीं बांध सकता लेकिन हाथ पाँव बांधने की जरूरत क्या है जब बुद्धि को ही मार देते हैं तो हाथ पाँव बांधने की जरूरत ही नहीं सारे दिन भू 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 करके बुद्धि को ही मार देते आत्मा स्वीकार कर जाती है हम सुनते हैं ना वो कहानी कई बार सुनाती हूँ कि जब सर्कस में हाथी को पालते हैं ना तो हाथी छोटा होता है तो उस छोटे हाथी के पाँव में बहुत बड़ी बड़ी बेड़ियाँ डाल देते हैं मोटी मोटी तो बहुत कोशिश करता है उन बेड़ियों को तोड़ने की लेकिन वो टूटती नहीं फिर धीरे धीरे हाथी बड़ा हो जाता है और बेड़ी बहुत पतली हो जाती है, है ना आप देखना जो बड़े बड़े हाथी होते हैं सर्कस में उनके पाँव में जो बेड़ी डली होती है बहुत पतली होती है वो चाहे तो एक झटके में तोड़ सकता है लेकिन तोड़ने का कभी पुरुषार्थ ही नहीं करता क्यों क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठ गया ये टूटती नहीं है तो इसलिए बंधन जो है ना वो बुद्धि की प्रोग्रामिंग से बांधा जाता है और बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे अपना भाग्य बनाने के लिए अपने संगम युगी कर्तव्य को करने के लिए सदा स्वतंत्र है ना मनुष्य आत्मा देखो आज विकारी बनने के लिए कितना स्वतंत्रता का नारा लगाती है लेकिन बाबा कहते हैं जब श्रेष्ठ कर्म करने की बात है जब हमें निश्चय है कि बाबा की श्रीमत पर चलकर हमारा और विश्व का कल्याण होना है तो उस कर्तव्य के लिए हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए फिर बाबा हमें कहते हैं कि ये तो हुई बंधन की बात फिर दूसरे सब्जेक्ट आती है माया की है ना माया से भी बहुत सावधान रहना पड़ता है क्योंकि जैसे ही सेवा सेवा के क्षेत्र में आते हैं थोड़ा कुछ करते हैं तो फिर माया का भी सामना होता है और माया क्या करती है बेपरवाह बना देती है, है ना माया बेपरवाह बना देती है कहेंगे हम तो इतना करते हैं ना तो इतना चलता है है ना कई बार ऐसा होता है कोई कोई अपना समय देते हैं तो समझते हैं कुछ मर्यादाएं हम ना भी पालन करें तो चलेगा या कोई अपनी जीवन देते हैं तो लगता है कि कुछ अवगुण तो हमारे अंदर चलेंगे तो झांक कर देखते ही नहीं कि मेरे जो अवगुण हैं वो मुझे निकालने हैं माया बेपरवाह बना देती है जो कर रहे हैं उसे देखते हैं और जो नहीं कर रहे उसकी तरफ से बेपरवाह बन जाते हैं और जब बेपरवाह बन जाते हैं तो बाबा कहते दिल में सफाई सच्चाई नहीं है क्योंकि पूरा चाट नहीं देते है ना पूरा चाट नहीं देते चाट क्या देंगे अमृतवेला किया टिक मुरली की टिक है ना नुमाशाम का कॉलम गायब कर देंगे रात्रिओ गायब हो गया है ना तो बस दो तीन कॉलम बनाएंगे जो करते हैं और बाकी चौबीस घंटे क्या किया कुछ नहीं और चाट देने वाले भी बहुत थोड़े होते हैं चाट देते ही नहीं ऐसे भी होते तो ये सब क्या है जैसे दुनिया में चलता है ना कि अच्छा दिखो अच्छा बनो मत वो संस्कार यहाँ भी लेकर आते हैं और फिर उसी संस्कार के आधार से अंदर दिल मैली है अंदर उल्टे संकल्प कर्म हो रहे हैं टाइम वेस्ट हो रहा है संकल्प वेस्ट हो रहे हैं और बाहर से है ना थोड़ा बहुत करके एक दो बातों को पालन करके मैं बहुत अच्छा बीके हूँ ऐसा अपने आप को समझाते रहते तो बाबा कहते ये भी माया का एक बहुत बड़ा रूप है कि एक तरफ देखेंगे दूसरी तरफ देखेंगे ही नहीं माया के कि उस तरफ मत देखो उससे कुछ नहीं होता है ना लेकिन अपने अवगुणों को नहीं देखेंगे कमी कमजोरियों को नहीं देखेंगे मर्यादाहीनता को नहीं देखेंगे तो ये बेपरवाही और कहेंगे ऐसा कौन परफेक्ट बनाए सब कुछ ना कुछ कमी कमज़ोरी वाले हैं तो ये माया का बहुत बड़ा रूप फिर बाबा कहते हैं माया का और एक बड़ा रूप है जेलसी, है ना जेलसी में आ जाएंगे ना जेलसी वाला क्या करता है दूसरे के पास जो है ना उससे रीस करना उसको छीनने की कोशिश करना उसका अपमान करना उसके बारे में उल्टी बात फैलाना उससे वो चीज़ छीनने में उसका सारा संकल्प समय जाता है वो अपनी स्वउन्नति में समय नहीं लगाता है ना उसको सिर्फ आपने बच्चों को देखा है बच्चों में भी जेलसी होती है दोनों बच्चों को एक एक गिफ्ट देंगे ना तो जो जेलसी वाला होगा वो अपनी वाली रख देगा और दूसरे वाले की तरफ चल पड़ेगा कि उसकी लेनी है अपनी वाली तो साइड रह गई उसको अपनी वाली से कोई मतलब नहीं है अब अब उसको दूसरे वाले की दिखाई दे रही है और दूसरे वाले की लेनी है तो जेलसी ऐसी होती है और जेलसी वाला अंदर अंदर ही जलता रहता है उसको सारे दिन परचिंतन करने से ही फुर्सत नहीं दूसरे का अपमान फैलाने से फुर्सत नहीं वो अपनी उन्नति कब करेगा तो बाबा कहते ऐसा भी माया का स्वरूप आता है और प्रकाशमणि दादी जी की अगर आप क्लासेस सुनेंगे तो दादी तो मुख्य जेलसी पर ही सारी क्लासेस कराती थी क्योंकि है ना ब्राह्मण परिवार में ये सबसे बड़ा कीड़ा है और बाबा कहते पता ही नहीं चलता कब लून पानी होकर बैठे अंदर मिठास ही नहीं है अंदर किसी को सहने समाने की बात ही नहीं है अंदर अंदर दूसरे के प्रति ईर्ष्या घृणा यही भाव चल रहे हैं तो बाबा कहते ये भी एक माया का स्वरूप बन जाता है फिर बाबा हमें कहते हैं कि माया का एक स्वरूप ये भी होता है कि अपने अंदर ही सेल्फ डाउट आ जाएगा कि हम कहाँ बनेंगे हम तो लक्ष्मी नारायण बने ये इम्पॉसिबल है और फिर अपने ही संकल्पों से खुद ही थक जाते हैं जब ऐसे निराशा के हताशा के संकल्प लेंगे तो अपने संकल्पों से खुद ही थक जाते हैं कई ऐसे होते हैं या तो चेक ही नहीं करेंगे कि मेरे में कोई कमी कमज़ोरी है और जैसे ही चेक करेंगे ना तो मैं कहाँ बन पाऊँगा हताश होकर बैठ जाएंगे अरे चेक किया तो चेंज करो ना जो बात कमी नज़र आई उसको चेंज करो और बनो लेकिन ऐसे अपने आप को ही थका देते हताशा निराशा के संकल्पों से तो बाबा कहते हैं ये सारे दे अभिमान के स्वरूप हैं और जिनको दे अभिमान नहीं होता उनका मूड ऑफ कभी नहीं होगा वो सदा हर्षित रहेंगे अतन्द्रिय सुख निशानी है देही अभिमानी अवस्था की जहाँ दे अभिमान होता है ना वहाँ अभी अभी बहुत उमंग उत्साह और अभी अभी बिल्कुल नीचे और कंसिस्टेंसी नहीं रहती है ना कंसिस्टेंसी इस युग का सबसे बड़ा गुण है क्योंकि मंजिल तक कौन पहुँचेगा जो कंसिस्टेंट है अगर एक रस अवस्था नहीं है ऊपर नीचे होते रहते आज मूड ऑफ आज मूड ऑन तो इसका मतलब बहुत दे अभिमान है अगर अतन्द्रिय खुशी नहीं रहती तो बहुत दे अभिमान है तो बाबा कहते इसीलिए अब विनाश सामने आ रहा है बाबा हमें अटेंशन खिंचवाते हैं कि अब बस है ना अंत का समय बिल्कुल नज़दीक है तो हम बच्चों को दे अभिमान को पहचान कर बंधन से ऊपर उठकर और अपने स्थापना विनाश पालना के कर्तव्य की जिम्मेवारी लेकर नई दुनिया की भी स्थापना करनी है और नई दुनिया में राज्य करने के लिए जो संस्कार चाहिए वो भी बनाने हैं ठीक है ओम शांति